देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले ही राजश्री फिल्म्स प्रोडक्शन के 75 साल पूरे होने पर सम्मानित किया था, जिसकी जानकारी प्रोडक्शन हाउस ने खुद दी थी। राजश्री फिल्म्स को सूरज बड़जात्या के ग्रैंडफादर ताराचंद बड़जात्या ने स्थापित किया था। अब सूरज बड़जात्या इस कंपनी को संभाल रही है। बता दें, हाल ही में सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म ऊंचाई को लेकर चर्चाओं में है। 11 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई उनकी ये फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है, जिसे देखने के बाद मेकर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब फिल्म की कमाई के दूसरे दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। दूसरे दिन ऊंचाई ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी मोटी कमाई की। ऊंचाई को बॉक्स ऑफिस पर दो दिन पूरे हो गए हैं। अब फिल्म की कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट की माने तो परिणीति चोपड़ा और अमिताभ बच्चन की फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.64 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगर हम पहले दिन की कमाई की बात करें तो फिल्म केवल 1.81 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी। नए आंकड़े आने के बाद अब इस फिल्म की कुल कमाई 5.45 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म की कमाई में दूसरे दिन 100% से भी ज्यादा उछाल देखा गया। बॉलीवुड की ये दूसरी फिल्म है जिसकी कमाई में दूसरे दिन 100% से ज्यादा उछाल देखा गया। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स की कमाई में 139.44% उछाल देखा गया था। इन आंकड़ों ने मेकर्स को खुश कर दिया है। अमिताभ बच्चन और परी की ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। कहना गलत नहीं होगा कि ऊंचाई ने दूसरे दिन ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें, ऊंचाई में कई स्टार्स एक साथ देखने को मिले हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए मेकर्स ने 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर फिल्म की कमाई ऐसे ही बढ़ती रही तो ये फिल्म जल्द ही अपना बजट निकाल लेगी। बॉलीवुड की फिल्मों को वैसे कुछ खास रिस्पांस मिल नहीं रहा, लेकिन जिन फिल्मों की कहानी दर्शकों को पसंद आ रही है वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्हीं में से एक फिल्म ऊंचाई भी है जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। चार दोस्तों पर बेस्ड इस कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको दर्शकों को ये फिल्म कितनी पसंद आ रही है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अमिताभ बच्चन कभी खराब ही नहीं हो सकती। क्या सूरज बड़जात्या जी के बारे में? राजश्री प्रोडक्शन तो इतने सालों के बाद वापिस आए तो बहुत मजा आ गया। काफी सारे कलाकार थे, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको? अमिताभ बच्चन की लगी, सबकी अच्छी थी, लेकिन सबसे अच्छा अमिताभ। क्लाइमैक्स कैसा था? क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था, दिखाया ऊंचाई दिखाई हुई, एवरेज पे चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सबको सब ये भाई ऐसा होना चाहिए। क्लाइमैक्स बहुत अच्छा। 5 में से कितने स्टार्स देना पसंद करोगे? 5 अमिताभ बोलिए। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे ऊंचाई के बारे में, कैसी लगी मूवी? सर, जो हम लोग डर हमारे मन में है, ये एक्टर्स को देख के लगा कि नहीं, डर नहीं देना चाहिए, हमेशा हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। कोई ऐसी बातें जो काफ़ी हद तक सीखने जैसी थी? कि उन्होंने पहले उम्र की वजह से हम लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पर उनको देख के अभी एटलीस्ट मैं अपने बेटे से ही कह रही थी कि मुझे स्लाइड से बहुत डर लगता है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम मैं जाके वो स्लाइड एंजॉय करूँगी। सूरज बड़जात्या की डायरेक्शन कैसी लगी आपको? सुपर्ब, दिल को टच करने वाली पिक्चर। काफ़ी बड़े कलाकार थे, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? तीनों की अच्छी थी, हर एक कैरेक्टर ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। अमिताभ बच्चन जी भी थे, उनकी एक्टिंग कैसी थी? सुपर्ब। जो लास्ट मोमेंट पे जब वो गिर जाते हैं तो लिटरली मैं रो पड़ी वहाँ पर, कि ऐसे भी रियलिटी में पर भी दोस्ती निभाने के लिए उन लोगों ने इतना कुछ किया है। 5 में से कितना स्टार्स दोगे अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग के लिए? 5 में से 5, अगर 5 में से 50 देने हो तो वो भी दे जाएंगे। और पूरी मूवी को 5 में से कितना स्टार्स दोगे? 5। थैंक यू सर। हाउ वाज द मूवी? द मूवी वाज गुड, लाइक इट वाज अ फैमिली मूवी एंड वी कुड नो दैट व्हाट वी थिंक ऑफ पेरेंट्स दैट इज नॉट द ओनली वे, लाइक वी गेट द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, लाइक वी गेट द पॉइंट अमिताभ बच्चन टेल्स दैट what is the point of the parents also, like they told us they told the family that how are they direction kaisa laga, koi aisi baatein jo kafi dil ko chhu gayi aisi movie mein? Dil ko chuna was that average scene when they reached the average, that scene was very good. और अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे, और सूरज बड़जात्या जी की डायरेक्शन के बारे में कुछ ऐसी बात? अमिताभ बच्चन वाज वेरी गुड, बोमन ईरानी वाज आल्सो गुड, एवरीबॉडी डिड अ गुड रोल इन द मूवी, बट सबसे अच्छी कलाकार के इसको लगा बोमन ईरानी जी थे। मेरे को बोमन ईरानी जी अच्छे लगे। और क्लाइमैक्स कैसा था मूवी का? मूवी क्लाइमैक्स वाज गुड, बट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, बट वाज अ गुड वन। इफ यू वांट टू गिव स्टार्स 5 आउट ऑफ अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग, बोमन ईरानी और अनुपम जी के एक्टिंग के बारे में कितने स्टार्स देना? 5/5। ऑल 3 ऑफ यू? होल मूवी वाज 5/5। पूरी मूवी को कितने स्टार्स दोगे? 5/5। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।